हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज से भरे चैनल में जिसका नाम है एसएनएस मार्केट ज्ञान। इस एसएनएस मार्केट ज्ञान के चैनल में मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो जरूरी न्यूज नॉलेज जिसे पाकर आप स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की प्री मार्केट समरी लेके, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मार्केट इंडाइसेस के बारे में, ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में, प्राइवेट डेटा के बारे में, स्टॉक की न्यूज के बारे में और ऐसी बहुत सारी जानकारी जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, मेरे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी आप दबा दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस लगातार मैं बनाता रहूं और आपको भेजता रहूं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 22 जुलाई है, मॉर्निंग 8 o'clock का डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंदर जो भी डेटा आप देखेंगे पूरा का पूरा मॉर्निंग 8 o'clock का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं मार्केट के इंडियन इंडाइसेस की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो कि परसों बंद हुआ था, कल ईद की वजह से मार्केट की छुट्टी थी, परसों बंद हुआ था 120 पॉइंट्स माइनस के साथ। निफ्टी नेक्स्ट 50 -258 पॉइंट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 50 -127 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी -700 पॉइंट्स के अराउंड बंद हुआ है। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी -350 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है। तो ये थे मार्केट के इंडियन इंडाइसेस। इंडियन इंडाइसेस के बाद अब हम बात करते हैं आज के ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ। ग्लोबल इंडाइसेस में आप देख सकते हैं जो कि नैसडैक मार्केट है वो 133 पॉइंट्स के साथ बंद हुई थी। अगर हम एफटीएससी कैग डैक्स देखें तो तीनों मार्केट पॉजिटिव में बंद हुई है। और एसजेएक्स निफ्टी जो आज अभी भी रन कर रहा है 15730 के अराउंड रन कर रहा है, इसके अंदर अभी +120 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप इसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स कहां पे बंद हुए थे और कहां पर अभी रन कर रहे हैं। ग्लोबल इंडेक्स के बाद अब हम बढ़ रहे हैं M6 डेटा की तरफ। M6 डेटा में आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड जो बंद हुआ है वो लास्ट बार -225 पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है। सिल्वर में भी -650 पॉइंट्स के अराउंड बंद हुआ है। कॉटन में थोड़ा सा उछाला है 360 पॉइंट्स का। क्रूड ऑयल में भी 25 पॉइंट्स प्लस में आए हैं और नेचुरल गैस में भी 5.5 पॉइंट्स प्लस आए हैं। M6 डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे एडवांस डिक्लाइन की तरफ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 जो कि परसों बंद हुआ था उसके अंदर जो एडवांस थे 10 थे, डिक्लाइंस 40 थे, अनचेंज 0 था। और टोटल 50 के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालें तो इसका रेशियो 20% आ रहा है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं निफ्टी, जो टोटल एडवांस रहते 478 रहते, डिक्लाइंस 1511 रहते, अनचेंज 59 रहते। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 2048 इसके अंदर स्टॉक्स हैं, उसके बेसिस पे इसके अंदर 23% का रेशियो आ रहा है एडवांस डिक्लाइन का। एडवांस डिक्लाइन के बाद अब हम एक बार नजर मार लेते हैं उस दिन के हमारे टॉप गेनर और टॉप लूजर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको टॉप गेनर दिखा रहा हूं। टॉप गेनर में आप देख सकते हैं एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो 5% के अराउंड ऊपर उठा था, अल्ट्रा गैम को भी 2% के अराउंड ऊपर उठा था, हिंदुस्तान लीवर 1% के अराउंड ऊपर उठा था, मारुति भी 1% के राउंड ऊपर उठा है और ग्रैसिम 0.72% के राउंड ऊपर उठा है। ये है टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स के बाद अब टॉप लूजर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हिंदाल्को में आपको सबसे पहले बता रहा हूं, हिंदाल्को में -3.72% का चेंज आया है। इंडस्ट्रियल में भी आप 3% का माइनस का चेंज देख सकते हैं। टाटा स्टील में भी आप 3% के अराउंड का चेंज देख सकते हैं। NTPC के अंदर -2.59% के अराउंड का चेंज देख सकते हैं। इसी तरह से भारतीय एयरटेल भी -2.44% के अराउंड का चेंज इसमें आप देख सकते हैं, जो कि टॉप लूजर में टॉप कर रहे थे बिकॉज ये काफी ज्यादा गिरे थे। टॉप लूजर के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे पाइवट चार्ट की तरफ। पाइवट चार्ट में आप देख सकते हैं, मैं आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और एक कॉल और एक पुट यहाँ दिखा रहा हूँ। इसके मैंने आपको यहाँ पे पाइवट भी मेंशन करें, R1, R2 भी मेंशन करें, S1, S2 भी मेंशन करें। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मार्केट आज ऊपर जाता है R1, R2 आपके टारगेट्स हो सकते हैं और S1, S2 आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो इन पाइवट चार्ट के बेसिस पे आज आप आज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। पाइवट चार्ट्स के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के FIS डेटा और DIS डेटा की तरफ। FIS डेटा में आप देख सकते हैं जो नेट सोल्ड रहा है 2834.96 करोड़ का रहा है FIS का, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब DIS का जो नेट परचेज रहा है वो 873.14 करोड़ का रहा है। और ये जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये 20 जुलाई का है, मतलब कि परसों की डेट का आपको दिखा रहा हूँ, कल मार्केट बंद था। परसों की डेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये नेट परचेज रहा है और ये नेट सोल्ड रहा है, और ये सारा जो डेटा है NSE की वेबसाइट से लिया गया है, और आज का जो डेटा होगा वो आज रात को रिलीज होगा। FIS डेटा और DIS डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टॉक इन न्यूज की तरफ। स्टॉक इन न्यूज में सबसे पहले आप देख सकते हैं नेटवर्क 18 की यहाँ पे एक न्यूज में आपको दिखा रहा हूँ। TV18 की भी यहाँ न्यूज है, जुबलेंट की भी है, IDFC फर्स्ट बैंक की भी है, हेवल्स की भी है और ग्लैंड फार्मा की भी। इसमें ऑलमोस्ट जो भी स्टॉक्स हैं वो रिजल्ट की वजह से न्यूज में थे। इसमें एक जुबलेंट की न्यूज भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर एक ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड है जिन्होंने अपना स्टेक जुबलेंट में से 2.4% का भी सोल्ड आउट कर दिया है। इसी तरह से RBI ने भी
IDFC बैंक को IDFC फर्स्ट बैंक से एग्जिट करने के लिए भी परमिशन दे दिए, वो उसके अंदर से अपना 36.56% का होल्ड है वो उसको निकाल सकती है। तो इस तरह की ऐसी कुछ न्यूज हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक्स उस दिन न्यूज में थे। टोकन न्यूज के बाद अब हम बढ़ते हैं, आज ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनके आज रिजल्ट आने वाले हैं, तो उनकी भी मैं आपको लिस्ट यहां दिखा रहा हूं, जिसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो कि टॉप लूजर में भी आपको मैंने दिखाया था, टॉप कर रहा था। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट है, बजाज ऑटो है, एग्रोटेक फूड्स है, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, बायोकॉन और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके अंदर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस भी आ रहा है। तो इन कंपनीज के आज रिजल्ट आने वाले हैं, अगर आप इन कंपनीज में आज ट्रेड करने वाले हैं तो काफी सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस या काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद सबसे एंड में अब हम बढ़ते हैं आज का हमारे निफ्टी पे क्या व्यू है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, SGX निफ्टी अभी रन कर रहा है 15730.50 के अराउंड और इसके अंदर अभी प्लस 120 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि आज का मार्केट प्लस 120 पॉइंट्स के साथ ओपन होगा और निफ्टी भी जिसके अंदर प्लस 120 पॉइंट्स आ सकते हैं। तो आज का हमारा जो निफ्टी पे व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया आज की प्री मार्केट समरी, जिसके अंदर मैंने आपको स्टॉक की न्यूज, कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके आज रिजल्ट आने वाले हैं, टॉप गेनर, टॉप लूजर, मार्केट इंडाइसिस, ग्लोबल इंडाइसिस, तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं लगातार बनाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन से भेजता रहूं। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए और आपकी आज की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक।